अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माई चैनल। गाइज, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन है उसको प्रेस करें, आपके पास तीन नोटिफिकेशन आएंगे, उनमें ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर दें। एंड हम मूव करते हैं अपने टॉपिक के साथ अलॉन्ग विद माई क्लास। हाँ भाई, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? फरी भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा यार, स्टार्ट करते हैं हम टाइम वेस्ट किए बगैर, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है और ऑलरेडी कुछ 10 मिनट हम लगा चुके हैं इस सारी सेटिंग पे, अरेंजमेंट पे। अच्छा जी, आइडियल गैस कांस्टेंट है, कल हमने ये पढ़ा था जनरल गैस इक्वेशन। हम वहीं से बात स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, विल राइट डाउन हेयर अकॉर्डिंग टू जो बच्चे कल नहीं थे वो बाद में ये मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है जनरल गैस इक्वेशन में तो वो आफ्टर द लेक्चर आप मुझे समझ सकते हैं, क्योंकि कल वाला लेक्चर रिकॉर्ड नहीं था, उन्होंने अपलोड भी नहीं किया। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन देखें, जनरल गैस इक्वेशन हमने पढ़ा था पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये हमने कल इसको प्रूफ भी किया था, कल का जो टॉपिक था दैट वाज जनरल गैस इक्वेशन को प्रूफ करें। तो मैं वैसे पहले बता चुका हूँ यार, ये सारी डेरिवेशन जो है ये 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है, एंड दैट माइट बी इम्पोर्टेंट। लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अगर लॉन्ग में नहीं आता तो इसमें से शॉर्ट आ जाता है। शॉर्ट कैसे आएगा वो भी जैसे जैसे जो टॉपिक कम्प्लीट होता है मैं आपको बता दूंगा। अच्छा देखें, लॉन्ग क्वेश्चन है, ड्राइव ऑल पॉसिबल न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ आइडियल या जनरल गैस कॉन्स्टेंट आर। अब देखें, इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज भी लिखनी है, हमने इसके यूनिट्स भी ड्राइव करने हैं, ये दोनों चीज़ें हमने करनी हैं इस 4 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में। तो देखें, जनरल गैस इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। अब इस जनरल गैस इक्वेशन में देखें ज़रा, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, ऑल ऑफ दीज आर वेरिएबल्स, इनको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो आर होता है ना यार, आर चेंज नहीं होता, बिकॉज दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट। और ये कॉन्स्टेंट क्यों है ये मैं इसी टॉपिक में आपको आगे चल के बता दूंगा। अच्छा देखें, अब वैसे भी इस चैप्टर में ना कई दफ़ा डिबेट आएगी कि आर कॉन्स्टेंट क्यों है। ये काफ़ी पहले तो मतलब हम बॉयल्स लॉ में ही पढ़ लें, उसमें प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन आता है वो कॉन्स्टेंट रहता है। इसी तरह जब उसमें टेम्परेचर आ जाता है तो फिर इनकी जो रेशोज़ होती हैं, इनके जो मल्टीप्लीकेशन हैं, ओवरऑल कॉन्स्टेंट रहती है। लेकिन कैसे रहती हैं अभी समझ नहीं आएगा, थोड़ा आगे चल के बताता हूँ। देखें, हम ऐसा करते हैं, इसके अंदर से R को अपनी जगह पर रहने देते हैं, N एंड T को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो वो इसके डिनोमिनेटर में चले जाते हैं। R की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, R इज इक्वल टू, देखिए पी वी अपनी जगह पे है, जो N एंड T है वो इस तरफ आ जाते हैं। तो इसकी मैंने वैल्यूज उल्टी लगानी, तो मैं T को पहले लिख लेता हूँ, T एंड N, आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं। वैसे ये मेरा स्टाइल है कि मैं T को पहले लिखता होता हूँ, अक्सर बुक्स में भी एन को पहले लिखा जाता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर में आपको पता है कि मल्टीप्लाई जब दो चीज़ें हो रही होती हैं ना, तो उनमें से कोई भी पहले कोई भी बाद में लिखी जा सकती है, तो ये कोई इशू नहीं है। आप इसको एन टी लिख लें या आप टी एन लिख लें, डजेंट मैटर। अच्छा अब देखें, हमें ना इसको एक्सप्लेन करने से पहले इसके अंदर सारी टर्म्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, क्वाइट सिंपल इट इज़। अब इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपको बताना पड़ेगा जी, पी क्या चीज़ है, दैट इज़ द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप कह सकते हैं। पी इज, आपको ये सारा साथ में मेंशन करना पड़ेगा, वेयर इसी स्टाइल में इसी पैटर्न में आप लिखेंगे वाइल सॉल्विंग योर पेपर, ठीक है ना। आपने सारी टर्म्स को आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन कर देना है, पी इज एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज़ एटमॉस्फेयरिक प्रेशर। और यार ये जब चैप्टर 3 स्टार्ट किया था मैंने आपको प्रेशर के जो 6 यूनिट्स बताए थे उनमें सबसे पहला यूनिट है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयरिक प्रेशर जब लेते हैं तो हम नॉर्मली 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा अब बात आ जाती है वी की। एक्चुअली ये जो वी है ना, ये सिंपल वॉल्यूम नहीं है, दैट इज मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मैंने आपको बताया था, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा मैं उनके लिए थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, कि जब किसी भी गैस का 1 मोल लेते हैं तो
एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वो कितनी जगह घेरेगा, उसको हम कहते हैं दैट इज मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये बेसिकली हम मोलर वॉल्यूम ले रहे हैं। तो जब आप यहाँ मेंशन करेंगे, आप सिंपली वॉल्यूम नहीं लिखेंगे, आप मोलर वॉल्यूम लिखेंगे। अच्छा यार, मोलर वॉल्यूम की जो वैल्यू है ना, ये भी मैंने आपको चैप्टर वन में बताई थी, दैट इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब, दैट इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, अब उसके बाद बात आ जाती टी की। अच्छा यार, जब हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था ना, तो रऊफ भाई जान ने भी पढ़ा था, है ना रऊफ भाई जान, पढ़ा था ना चार्ल्स लॉ जो है, इसमें एक चीज़ थी, एक टर्म थी, एक कंडीशन थी। चार्ल्स लॉ भी मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, जस्ट उसकी आज थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, वो मैं आज वो भी अपलोड कर दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा। रादर वो ज़रूर सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है चार्ल्स की, कहानी मेरी जबानी, मज़ा आएगा सुनने का। अच्छा देखें, अब चार्ल्स लॉ में ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि चार्ल्स ने कहा था कि आपने जब भी चार्ल्स लॉ को जस्टिफाई करना है, आपने जो टेम्परेचर लेना है वो केल्विन या एब्सोल्यूट स्केल में लेना है, ये आपने पढ़ा था। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेसिकली जो टेम्परेचर हम ले रहे हैं ना, वो हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखेंगे यहाँ पे। वैसे तो आप टी इज इक्वल टू टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखना है। ये जो सारी बातें हैं ना, ये सारी बातें वैसे छोटी छोटी हैं, मैं ये ना भी बताऊँ तो काम चलेगा, लेकिन यार फिर सही कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होता, फिर सही कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होता। तो डेफिनेटली माशाल्लाह आप सारे बच्चों ने कल को एमडी कैट ई कैट में जाना है, तो होपफुली आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें अब यहाँ से पढ़ के जाओगे तो आफ्टर टू ईयर्स इंशाल्लाह मुझे दुआएं दोगे। अच्छा देखें, यहाँ पर दैट इज़ इक्वल टू, देखो ये वैसे आम तौर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में लें तो 273 केल्विन के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दैट इज़ इक्वल टू 273 केल्विन। अच्छा यार, अब देखें N जो है बेसिकली ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, N आप मेंशन करें दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। और यार आम तौर पे हम यहाँ ना कंडीशन ये रखते हैं कि हम एक मोल के लिए ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक मोल के लिए ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो नाउ दैट इज क्वाइट सिंपल कि हम ये सारी वैल्यूज उठा के इक्वेशन वन में प्लेस कर देते हैं अलॉन्ग विद यूनिट्स। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं जो मतलब काउंटिंग होती है, नंबरिंग होती है, जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू ये इसका यूनिट है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू ये इसका यूनिट है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू ये इसका यूनिट है। तो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज अलोंग विद देयर यूनिट्स हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। ओके, वी आर गोना प्लेस द वैल्यूज हेयर, हम यहाँ मेंशन करेंगे कि पुट ऑल दीज वैल्यूज, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन। लें जी उमर भाई जान, इक्वेशन वन में हम वैल्यूज लगा दें, चलें अब आप इतनी जिद करते हो तो हम वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। अब यहां देखें आर इज इक्वल टू, अच्छा यार यहां देखें, जब आपने वैल्यूज प्लेस करनी है ना, आपने उनके यूनिट्स भी प्लेस करने हैं। आसानी की खातर मैं ये करता हूं कि मैं साथ साथ यूनिट लगाई जाता हूं। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर है, प्रेशर की वैल्यू है वन, ये आ गया वन यहाँ पे, इसका जो यूनिट लगाना है ना मैंने, वो मैं इसके साथ ही लगा देता हूँ एटमॉस्फियर। ओके, अच्छा देखें वॉल्यूम है 22.414 डेसीमीटर क्यूब इनटू 22.414, अब डेसीमीटर क्यूब मैं यूनिट्स के साइड पे लगा देता हूँ। टेम्परेचर जो है ये होता है केल्विन 273, और केल्विन मैं यहाँ यूनिट्स वाले एरिया में लिख देता हूँ, और उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स हैं वन, और यहां पर मैं लिख देता हूं मोल। ठीक है, बाज बुक्स में पूरा एम ओ एल ई लिखा होता है, बाज में ई नहीं होता, जस्ट एम ओ एल लिखा होता तो ये गलती कंसिडर नहीं होगी, जस्ट एम ओ एल भी लिखा होगा तो ये गलती कंसिडर नहीं होती। अच्छा अब देखें आर इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करते हैं ना सारे को, तो न्यूमेरिकली हमारे पास आंसर आता है 0.0821। अब जरा देखें एटमॉस्फियर, इसका यूनिट बनाए ना एटमॉस्फियर, फिर आएगा डेसीमीटर क्यूब, फिर आएगा केल्विन को जब ऊपर लेके जाएंगे तो केल्विन इन्वर्स हो जाएगा, दैट विल बी केल्विन इन्वर्स एंड मोल इन्वर्स हो जाएगा। लो जी ये इसका यूनिट आएगा। ये जो हमारे पास ये वैल्यू आई है ना, आगे जितने भी इस चैप्टर के आप न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे ना, और हमने पढ़ने हैं
मैंने कल भी बताया था इसके न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करके ही अगले चैप्टर पे जाएंगे। तो यहाँ देखें ये बार बार न्यूमेरिकल्स में यूज होता है और ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल्स में नहीं दी जाती, ये आपको याद करना पड़ेगी, यूनिट्स के साथ याद करना पड़ेगी। और अगर पेपर में आपको इसका यूनिट भूल जाता है तो आप इस इक्वेशन पर फोकस कर लेना, आप इस इक्वेशन पे फोकस कर लें कि प्रेशर के लिए एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम के लिए डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय केल्विन एंड मोल, तो आपको इसका यूनिट जहन में आ जाता है। अक्सर बच्चे जस्ट रट्टे पे रहते हैं तो पेपर में समटाइम्स रट्टा बिकम्स कट्टा, जब रट्टा कट्टा हो जाता है तो फिर ऐसी सूरत में कुछ समझ नहीं आती करना क्या है, तो कन्फ्यूजन होती है। अच्छा ये देखें, यह आपने इतना प्रूव कर लिया। अब यहाँ पर पता क्या है, ये तो है जब हमने प्रेशर का एक यूनिट लिया, प्रेशर के हमारे पास 6 यूनिट्स हैं, अब जो बाकी यूनिट्स हैं ना उनकी लड़ाई हो जाती है। बाकी यूनिट्स कहते हैं कि भाजी एटमॉस्फेयर ना ताड़ी बहुत ही बनती है, सानू भी तो बेच लैके आओ, फिल्म दे, हम फिल्म से बाहर ही बैठे हुए हैं। अच्छा ऐसे में ना हम कहते हैं यार ऐसे नहीं, बारी बारी वन बाई वन हम क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर है ना, दूसरा यूनिट आता है टॉर, हम कहते हैं चलो फिल्म के अंदर टॉर को भी ले ही आते हैं, टॉर बेचारा सबसे पास खड़ा होता है, ओए टॉर इधर आ, टॉर को भी बुला लेते हैं, लो जी अब टॉर भी फिल्म में आने लगा आपके सामने। तो यहाँ पर हमने जब इसको टॉर में कन्वर्ट करना है ना, तो वो देखें ज़रा, इसको जब टॉर में कन्वर्ट करना है तो देयर विल बी आर इज इक्वल टू, देखें 0.0821 है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 760 के साथ। यार अब जब आपने मल्टीप्लाई किया है ना तो जाहिर बात है आपने बताना तो है कि ये मल्टीप्लाई क्यों किया, आप इसके साथ रेफरेंस देंगे, रेफरेंस देंगे नीचे ब्रैकेट लगा के, ये तीन डॉट्स लगाने हैं, इन तीन डॉट्स का मतलब होता है वी नो दैट, ठीक है। आप लिखेंगे कि जो एक एटमॉस्फेयर होता है, जो वन एटमॉस्फेयर होता है दैट इज इक्वल टू 760 टॉर, और इस वजह से हमने इसको 760 के साथ मल्टीप्लाई किया, गॉट इट ना। अच्छा मुझे आंसर इसका बताएं, 62 कितना आएगा, 62.4। अब देखें अब इसका यूनिट चेंज हो जाएगा, अब देखें पहले था एटमॉस्फेयर, अब उसकी जगह पे क्या आएगा, दैट विल बी टॉर, ओके, सो विल प्लेस हियर द टॉर, द प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड इन टॉर, ओके, द रिमेनिंग यूनिट विल बी रिटन एज इट इज, आई वॉन्ट टू से दैट इज डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, बाकी यूनिट्स वही रहेंगे, मेरे कहने का ये मतलब है। तो ये डेसीमीटर क्यूब ही रहेगा, अच्छा ये केल्विन पर केल्विन, ये पर मोल हो जाएगा। अच्छा यार अब देखें, हमने इसको टॉर में कन्वर्ट तो कर दिया, अब उसके साथ ही जो है वो मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी है, वो रुस पाएगा, वो कहेगा भाई जी मैनू भी फिल्म चला के आओ, मैंने भी आना है, ठीक है ना। अब अहमद भाई जान कहते हैं तो हम फिर ऐसा करते हैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी को भी ज़रा फिल्म में ले ही आते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको ना आर विल बी इक्वल टू 62.4, अब यहाँ पर हम एम एम एच जी लिख देंगे, बाकी यूनिट वैसे ही रहेगा, डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। अच्छा यार अब देखें, अब इसमें ना हमें ये बताना पड़ेगा कि हमने इसको मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कैसे कन्वर्ट किया, तो हम यहाँ ये बताएंगे कि जो एक टॉर होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे सानू पता है, मेरा मतलब वी नो दैट, जो वन टॉर होता है वो बराबर होता है वन एम एम एच जी के, समझ तो नहीं आई होगी आप लोगों को, बस मैं यही चाहता था कि तुम लोगों को समझ ना आए। अच्छा खैर देखें, ये दोनों जब यूनिट आपस में बराबर हैं तो फिर हम टॉर की जगह पे मिलीमीटर और मरकरी भी तो लगा सकते हैं ना, हमने वो लगा दिया, ठीक है। अब जब ये कर देते हैं ना, अभी पीछे इसके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल्स भी हैं प्रेशर के यूनिट, हम उनकी तरफ जाने लगते हैं तो जो वॉल्यूम है ना वो शोर मचा देता है, वो कहता ये क्या बदतमीजी है भाई, प्रेशर के तीन यूनिट्स आ चुके हैं, मेरा एक भी यूनिट नहीं आया, ओ जी फड्डा पे आ गया, वो बाहर वो लड़ाई शुरू हो जाती है वॉल्यूम और प्रेशर के बाकी तीन यूनिट्स के साथ, वो फिर क्या होता है प्रेशर के तीनों यूनिट्स ने मिलके वॉल्यूम की खूब धुलाई की, थापड़ थापड़ चपेड़ा मारी उन्होंने। अब वो जहरी बात है बींग टीचर, मुझे तो वो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो है ना मेरी टर्मिनोलॉजीज आपस में लड़ना शुरू हो जाएं, तो फिर मुझे कुछ उनका करना पड़ा, मैंने कहा यार ऐसा करते हैं कि जो ये सेंटीमीटर क्यूब है ना ये बहुत ज़्यादा लड़ाका है, डेसीमीटर क्यूब बहुत ज़्यादा लड़ाका है, इसको वहाँ से निकाल लेता हूँ। मैंने क्या किया, डेसीमीटर क्यूब को जब प्रेशर से चपेड़े पड़ रही थी ना, मैंने उसको यूं पकड़ा, उसको मैं ले आया इधर। अब मैंने क्या किया, यहाँ डेसीमीटर क्यूब जो है इसकी जगह पे मैंने सेंटीमीटर क्यूब प्लेस करना है, तो सेंटीमीटर क्यूब को मैंने बाहर से ला के इस फिल्म में ऐड कर दिया। प्रेशर को मैंने कहा तेरे तीन यूनिट्स हो गए तो ज़रा सुकून कर, शुक्र इसने मेरी बात मान ली, ठीक है ना। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इसकी थोड़ी सी बात सुन लेता हूँ,
मैं इसको डेसीमीटर क्यूब को अब कन्वर्ट करता हूँ सेंटीमीटर क्यूब में। तो प्यारे प्यारे थोड़े से कमीने बच्चों देखना अब क्या होता। देखो 62.4 ये एम एम एच जी तो चलो वैसे ही लिखा रहने देते हैं, इसकी जगह पे हमने लगाना है सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको फिर बाद में लगाते हैं ना, पहले इसको कन्वर्ट कर लें। हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें ये बताना पड़ेगा जी हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया क्यों, इस वजह से कि हमने डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब में। तो जो एक डेसीमीटर क्यूब होता है, ये साथ में रेफरेंस देना पड़ेगा, एक डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो इक्वल होता है, और नहीं है 1000 सेंटीमीटर क्यूब लें जी। पहले वो बेचारा कुट खा के आया, ऊपर से तुम लोग ड्राई जा रहे हो उसको। अच्छा देखें, अब ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, असल में रिलेशन जो होता है ना वो होता है एक डेसीमीटर क्यूब 10 सेंटीमीटर क्यूब, एक डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, लेकिन क्यूब है ना तो ये फिर 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखें इसको सॉल्व कर लें। जब सॉल्व करते हैं तो आर इज इक्वल टू 62400। अब यूनिट चेंज हो जाएगा, अब इसका यूनिट ये तो मिलीमीटर ऑफ मर्करी ही रहेगा, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ये डेसीमीटर क्यूब की बजाय सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, और जब हम यहां सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे तो ये मिलीमीटर ऑफ मर्करी इसको बड़े गुस्से से देखेगा, क्योंकि उसके भाइयों के साथ लड़के आया ना ये, तो इसको बड़े गुस्से से देखेगा। अब यहां पर बाकी यूनिट वैसे ही रहेगा, पर केल्विन पर मोल। अच्छा यार प्यारे प्यारे कमीने बच्चों, लो जी वॉल्यूम की भी बात हो गई, अब जो प्रेशर के यूनिट्स हैं और वॉल्यूम के यूनिट्स हैं उनके पीछे फिर लड़ाई होगी। अब मीटर क्यूब और न्यूटन मीटर स्क्वायर की लड़ाई होगी आपस में। अब हमें ये लगा कि यार इनको भी फिल्म में ले आए, नहीं तो ये लड़ लड़ के मर जाएंगे। हम फिर ऐसा करते हैं, हम उनको यूनिट में उनको इस फिल्म में लाने के लिए हम कहते हैं कि अब आर की जो वैल्यूज़ हैं ना वो स्टैंडर्ड यूनिट्स के मुताबिक निकालें। स्टैंडर्ड यूनिट्स आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स के अंदर, ज़्यादा इसका जिक्र आता है, तो स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसको कहते हैं SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल। अब जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है ना वो जो प्रेशर है उसका है न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, ये जब मैंने आपको पढ़ाया था मैंने बताया था कि ये बात MCQ में आती है। और जो वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर क्यूब। तो हम क्या करते हैं, अब आर की वैल्यूज निकालते हैं सिस्टम इंटरनेशनल में। तो यहां पर आपको एक दफा हेडिंग देना पड़ेगी, वैल्यूज ऑफ आर, वैल्यूज ऑफ आर इन SI, कैपिटल S कैपिटल I, दैट स्टैंड फॉर सिस्टम इंटरनेशनल। अच्छा यार अब यहां देखें आप, यहां पर ना बाकी यूनिट्स वही रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी वही रहेंगे, टेम्परेचर भी वही रहेगा, लेकिन जब प्रेशर का यूनिट लेंगे अब हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेंगे। हम यहां लिखते हैं कि वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल्स में भी वैसे यही होता है। अच्छा जी उसके बाद वॉल्यूम हमने लिया था 22.414 डेसीमीटर क्यूब लिया था ना, डेसीमीटर क्यूब लिया था, लेकिन यार यहां देखें ये वाला यूनिट मीटर स्क्वायर में है, तो फिर इसको भी तो डेसीमीटर की बजाय मीटर में लेंगे ना, जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा अपना मीटर घूम जाएगा। हम इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि एक मीटर के अंदर 1000 डेसीमीटर होते हैं, तो जब इसको 22.414 को हमें 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा, द आंसर मस्ट बी 0.022414 मीटर क्यूब होएगा अब इसका यूनिट। पहले था डेसीमीटर क्यूब, अब हो गया मीटर क्यूब के मतलब टेम्परेचर की और नंबर ऑफ मोल्स की वही वैल्यू रहेगी। अब हम ये वैल्यूज दोबारा उठा के इस इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं। हम लिखेंगे पुट ऑल द वैल्यूज अगेन इन इक्वेशन वन। लो जी पुट ऑल द वैल्यूज अगेन इन इक्वेशन वन। लें जी अब हम ये सारी वैल्यू अगेन इक्वेशन वन में पुट करते हैं। अब जरा देखें आर इज इक्वल टू, यहां पहले प्रेशर आता है, प्रेशर की वैल्यू अब हम लगाएंगे 101325। वॉल्यूम की यूनिट ये वाली लगाएंगे 0.022414। अब इनका साथ में यार यूनिट भी लगा दें, जो प्रेशर का यूनिट था दैट वाज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का जो था मीटर क्यूब था, यहाँ केल्विन आएगा यहाँ मोल आएगा, और इनकी वैल्यू भी लगा दें। केल्विन में 273 टेम्परेचर और मोल 1 मोल लिया था,
जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो दैट इज 8.314। अब यूनिट चेक करें जरा इसका। अब इसका जब न्यूमेरिकल आंसर तो हमने लिख दिया। वालेकुम सलाम सर, मसब किधर है? मसब यू मस्ट गो। अच्छा देखें, इसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर ये देखें, न्यूटन तो वैसे ही आ जाएगा, न्यूटन वैसे आ, अब मीटर जो है ना ये आएगा -2 + 3। ये -2 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, मीटर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो m जो है, सॉरी ये m साथ आना था, m जो है -2 + 3। अब ये केल्विन ऊपर जाके केल्विन इनवर्स हो जाएगा और ये मोल ऊपर जाके मोल इनवर्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, r विल बी 8.314 न्यूटन। अब ये सिर्फ मीटर रह जाएगा, ठीक है, पर केल्विन पर मोल ये हो जाएगा। अच्छा यार, ये वाली जो वैल्यू है ये भी न्यूमेरिकल्स में यूज होती है। एक ही न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें ये यूज़ होती है वैल्यू, बाकी हर जगह पे वही वैल्यू यूज़ होती है। लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगी, यहाँ से एमसीक्यू भी बन जाता होता है कि आर की सिस्टम इंटरनेशनल वैल्यू कौन सी है, वो ये वाली है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो न्यूटन मीटर है ना, ये बराबर होता है जाउल्स के, तो इसकी जगह पे हम जाउल्स भी लिख सकते हैं। वो देखें ज़रा, हम लिखते हैं आर इज इक्वल टू 8.314 निकाला, इसके न्यूटन मीटर की जगह पे जाउल लिख दिया, पर केल्विन पर मोल। और साथ में हमें ये बताना पड़ेगा कि जो एक जाउल होता है वो एक न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो देखें ना, हमने ये न्यूटन मीटर की जगह पे जाउल लिख दिया, बाकी यूनिट सारा कुछ वैसे का वैसे ही है। समझ आ गई इस बात की ना। अब इसके आगे आखिरी बात है, देखें जो जाउल होता है ना, दैट इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट कैलोरी भी होता है, हमने इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको 4.18 पे डिवाइड करेंगे, वो मैं बताता हूँ जी हम क्यों डिवाइड करेंगे। ये है 8.314/4.18। अब हमने इसको डिवाइड क्यों किया, इसके लिए भी रेफरेंस देते हैं। हम कहते हैं जी एक कैलोरी जो है वो बराबर होता है 4.18 जाउल्स के, तो इसलिए हमने इसको जाउल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.18 पे डिवाइड किया। तो जब आंसर निकालते हैं तो अबू बकर को तो समझ आ ही जाती है, 1.989। कि अबू बकर नहीं आई, समझ आ गई ना। अब देखें, अब जाउल की बजाय क्या लिखेंगे, कैलोरी, आगे बाकी यूनिट वैसे का वैसी, पर केल्विन पर मोल। यार ये हैं सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज आर की, ऑल पॉसिबल वैल्यूज, और इस यहाँ तक ड्राइव करने के आपके नंबर है, स्टेप वाइज आपको इसके मार्क्स मिलते चले जाएंगे। अच्छा, मैथमेटिकल डेरिवेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपकी, फिर ही आप नहीं भी लिखते इसमें तो काम चलेगा। अच्छा, अब ना इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इस जगह पे। वो कहता है कि ड्राइव करें, ड्राइव ऑल पॉसिबल न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ आर इन सिस्टम इंटरनेशनल। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, आपने यहां से लेकर यहां तक सारी वैल्यूज निकालनी है। समझ आ गई ना बात की, वन जाउल के नीचे 4.18 जाउल, कैलरी, ये कैलरी है, सी ए एल, कैलरी पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं जी। अहमद कुछ पूछना था, ये एग्जैक्टली यहां से, ठीक है ना। अच्छा यार, यहाँ तक ना आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, वो भी मैं साथ ही करा दूँ कल के लेक्चर में, फिर वो एडजस्ट नहीं होगा। डेंसिटी होती है हर गैस की, डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन ड्राइव करना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। आज की आखिरी बात, ड्राइव अ रिलेशन, शॉर्ट क्वेश्चन है, ड्राइव करें, ड्राइव अ रिलेशन टू कैलकुलेट density of an ideal gas। अब ये जो ideal gas की जो बहस है ना, अब ये syllabus में है,
आइडियल एंड नॉन आइडियल बिहेवियर, ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे और बड़ी डिटेल में डिस्कस करने हैं। आपने इसको अच्छी तरह से समझना है। इसमें से एमसीक्यूज जो बनते हैं ना, एक दफ़ा भेजा फ्राई कर देते हैं, तो होपफुली मैं आपको अच्छा ही पढ़ाऊंगा इसमें और आपका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा बिल्ड होगा इसमें। अच्छा देखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन है यार, दो नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आने का चांस भी होता है। अच्छा क्वेश्चन है कि जी डेंसिटी फाइंड करने के लिए हम रिलेशन ड्राइव करें, तो हम जनरल गैस इक्वेशन से ही करेंगे, शुरू उधर से ही करते हैं। हम कहते हैं जी अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, ये जैसे मैं लिख देता हूँ वही आप आंसर नोट कर लें, वही आपने लिखना है। अकॉर्डिंग टू, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट हैं यार, फटाफट इसको कर लें। जनरल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन हमने पढ़ा था पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यार यही पढ़ा था ना। अच्छा पता क्या होता है, एन जो है ना ये बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये मैंने आपको इस लेक्चर में भी बताया, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा इसका चैप्टर 1 में आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास ओवर मोलर मास। मास को हम स्मॉल एम से जाहिर करते हैं, मोलर मास को कैपिटल एम से जाहिर करते हैं। यार देखें जरा, यहां पर हम ऊपर वाली क्वेश्चन में फिर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, पुट एन इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास इन अबव इक्वेशन, ऊपर जो इक्वेशन दी गई है अबव इक्वेशन। अच्छा देखें यार, पी वी वैसे ही आएगा, एन की जगह पे आ जाएगा मास ओवर मोलर मास इनटू आर टी, ये रिलेशन आ गया हमारे पास। हमने सिंपली इसमें कुछ नहीं किया, हमने इस एन की जगह पे बस ये वैल्यू प्लेस कर दी है, नथिंग एल्स। अब हम क्या करेंगे, ये दो वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज कर दें, शिफ्ट कर दें, मोलर मास की जगह पे वॉल्यूम और वॉल्यूम की जगह पे मोलर मास कर दें, ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। हम लिखेंगे ऑन रीअरेंजिंग अबव इक्वेशन, रीअरेंजिंग, हम ऊपर वाली इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, रीअरेंजिंग अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करते हैं तो दैट इज पी एम इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम इनटू आरटी, ये आ जाएगा। यार अब जरा रिकॉल योर माइंड कि एम ओवर वी जो है ये डेंसिटी के बराबर होता है, ठीक है। हम यहाँ ये वैल्यू पुट कर देते हैं, हम लिखते हैं कि जी पुट करें इसमें, पुट एम ओवर वी इज इक्वल टू डी इन अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में हम ये पुट कर देते हैं, तो यार देखें यहां पर आ जाएगा पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। अब देखें ना, इस पूरी वैल्यू की जगह पे डी लग गया, हम डी को अपनी प्लेस पे रहने देते हैं, आर टी को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, वो डिवाइड हो जाता है, तो दैट इज डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। अब अगर देखें हमारे पास किसी भी गैस का प्रेशर है, मोलर मास है, आर की वैल्यू है और टी है टेम्परेचर की वैल्यू है, तो हम किसी भी गैस की डेंसिटी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपके जहन में कन्फ्यूजन है, जी आर की तो हमने दो वैल्यूज पढ़ी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, कौन सी यूज़ करनी है? डोंट यू वरी अबाउट दिस, ये अभी पता नहीं चलेगा, ये जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना फिर आपको समझ आएगी। ये यूनिट्स की कंपेटिबिलिटी होती है कि प्रेशर का क्या यूनिट होता है उसके मुकाबले में वॉल्यूम का क्या यूनिट लेना होता है हमने, ठीक है ना। हम इसको यहाँ क्लोज करते हैं और मैं ये वीडियो भी क्लोज कर लूँ। तो एनीवे गाइस, होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और लेकिन ज़रा पेशेंस से देखना पड़ा होगा आपको लेक्चर, क्योंकि काफ़ी स्लो लेक्चर था, तो मैथमेटिकल डेरिवेशन थी जिसकी वजह से वो स्लोली ड्राइव करनी थी। एनीवे थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ऐसे नहीं जाना, पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, उसके आगे नोटिफिकेशन आएंगे उसमें ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। एनीवे गाइज अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।